मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। करनाल में दूसरा ओमिक्रोन का मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव 6 वर्षीय बच्चा ओमिक्रोन से संक्रमित मिला है और विदेश से लौटे 100 लोगों की ट्रेसिंग अभी तक नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। वैक्सीन के दूसरे डोज लगवाने के प्रति लोग काफी लापरवाह हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच करनाल जिले के लिए 3 सूचनाएं ऐसी हैं जो लोगों की चिंताएं बढ़ा सकती हैं। इनमें सबसे पहली सूचना ये है कि करनाल जिले में दूसरा जो है ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। ये परिवार पुर्तगाल से लौटा था, जिसके 6 वर्षीय बच्चे में भी अब ओमिक्रोन वेरियंट पाया गया है। इसमें दूसरी सूचना जो करनाल जिले के लिए वो है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग 100 ऐसे लोगों को ट्रेस नहीं कर पाया है जो फॉरन से लौटे थे, विदेश यात्रा करके लौटे थे। ऐसे लोगों को भी ट्रेसिंग नहीं हुई है। ये लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुलिस की मदद से हालांकि इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इनके नामों का खुलासा नहीं हुआ है। तीसरी और बड़ी अहम बात है कि जो वैक्सीनेशन की डोज है उसको लेकर लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। करनाल जिले की बात करें तो हम करीब 62% लोग ही हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डोज ली है। 38% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी सेकंड डोज लेने नहीं पहुंचे हैं। एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। हालांकि अभी जो देखें तो वैक्सीनेशन कैंप जो शुरू हुए हैं उनमें भीड़ दोबारा से दिखाई देने लगी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 जनवरी के बाद पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, सार्वजनिक स्थानों पर लोग नहीं जा पाएंगे। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड होंगे उनको पाबंदी होगी, सरकारी दफ्तर में नहीं जा पाएंगे। इसके चलते अब जो है वैक्सीनेशन जो कैंप है उनमें एक अच्छी खासी भीड़ वो देखी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आप देख सकते हैं अब आने लगी हैं वैक्सीनेशन के लिए। बात करें जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उनके अनुसार करनाल जिले में 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, हालांकि उनका समय पूरा हो चुका है। तो एक बड़ी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अब आने वाले समय में कुछ कड़े प्रबंध करेगा ताकि जो लोग वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाह बने हुए हैं या कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति जो लापरवाह बने हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। साइबर सिटी गुरुग्राम में नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा रहेगा। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते नए साल पर सख्ती दिखेगी। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू का सख्ताई से पालन भी होगा। वर्ष 2021 का आज का ये अंतिम दिन, जिसको विदाई के लिए और नए वर्ष 2022 के स्वागत के लिए तो तमाम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बाद गुरुग्राम में कहीं ना कहीं 2022 के स्वागत का ये जश्न फीका रहने वाला है। अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू का ऐलान है, तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने भी तमाम प्रबंध कर रखे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 29 में है। सेक्टर 29 की अगर बात की जाए, ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा लोग नए ईयर के जश्न मनाते हैं। सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार इस तरीके के यहाँ पर हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पुलिस की ऐसी गाड़ियाँ हर पब, बार, रेस्टोरेंट के बाहर नजर आएंगी। एक तरफ अगर बात की जाए, आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम के सेक्टर 29 का इलाका है जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं भीड़ रहने वाला होता है। हालांकि इसके स्वागत में तमाम जो अगर नाइट क्लब, बार, जो रेस्टोरेंट है, इनके बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। 2022 के स्वागत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अब ऑफर्स जो होती हैं वो लगाई जाती है कि किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ रहेंगे। तमाम जगहों पर अगर बात की जाए तो सिंगर्स की अगर बात की जाए तो उनको बुलाया जाता है, इस तरीके के जश्न भी थे। लेकिन सख्ताई के चलते अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आज के दिन तमाम जो नाइट क्लब हैं वो रात को 10 बजे के बाद बंद कराए जाएंगे। हालांकि 11 बजे का समय है जब कर्फ्यू शुरू होता है, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये कर्फ्यू की बात है, 11 से 5 रहता है, लेकिन 6 बजे के बाद लोगों को बाहर आने की अनुमति। लेकिन क्योंकि 10 बजे इन रेस्टोरेंट को, बार को इसलिए बंद कराया जाएगा ताकि लोग 11 बजे से पहले अपने घर पहुँच सकें। तो यानी 2021 का अंतिम दिन जो रात 12 बजे जश्न का माहौल दिखता था,
इस बार वो जरूर कुछ फीका रहने वाला है। तमाम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्लानिंग करी, खासकर गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर जश्न के लिए आते थे। तमाम तैयारियाँ भी यहाँ पर की गई थी नाइट क्लब, बार, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट के द्वारा, लेकिन पुलिस के सख्त आदेशों के बाद, प्रशासन के सख्त आदेशों के बाद आज कहीं ना कहीं ये 29 की मार्केट भी फीकी नज़र आ रही है। इंतजाम तो थे, लेकिन अब इस इंतजाम की बात की जाए तो उसको लेकर के सरकार के सख्त आदेशों के चलते फिलहाल ये मार्केट सूनी नज़र आती है। आज का ये कहीं ना कहीं 2021 का यह अंतिम दिन, जो लोग जश्न के साथ रात को 12 बजे मनाना चाहते थे उस पर कहीं ना कहीं सख्ताई रहेगी। और कारण ये भी है कि गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, क्योंकि 180 से ज़्यादा मामले आए। अगर हम ओमिक्रोन की भी बात करें तो 13 से ज़्यादा मामले आए। ऐसे ही कई कारण रहे जिसको लेकर के प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बाद आज इसका असर भी, हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि शाम 10 बजे सभी रेस्टोरेंट, बार, मॉल जो है बंद करा दिए जाएंगे, ऐसे में ताकि लोग 11 बजे से पहले अपने घरों में पहुंच सके। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीनेशन के एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं फरीदाबाद में 1 जनवरी से सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों के वैक्सीनेशन के लिए भी लघु सचिवालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी से सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर डबल वैक्सीन होना जरूरी कर दिया गया है लोगों के लिए, तो ऐसे में अब प्रशासनिक और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है। हम फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में हैं, जहां तमाम कार्यालय, सरकारी कार्यालय, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ जो तमाम लोग आएंगे कल से, उनको डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा, तभी उन्हें कार्यालय में एंट्री मिलेगी। इसके लिए बाकायदा तैयारी कर ली गई है, और इस तैयारी के बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अब यहाँ एक सेंटर बना दिया गया है, वैक्सीन जहां लोगों को लगाई जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां तमाम जो लोग हैं अब ऐसे लोगों को यहीं लाकर उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी, तभी उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ पहुंचे भी, आपका क्या नाम है सर? अशोक मेहता। अशोक मेहता, आप वैक्सीन लगवाने यहां पहुंचे हैं, कौन सी डोज लगवा? डोज, फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज अब तक नहीं लगवाई, अभी तक, अभी इसलिए नहीं लगवा पाए, ट्रैवलिंग जॉब है मेरा तो नहीं लगवा पाए। अब मुझे प्रेशर आने की वजह से लगवाना पड़ रहा है। कैसा प्रेशर? वो गवर्नमेंट का प्रेशर है कि आप कल से एंट्री नहीं कर पाएंगे बैंक में। मेरा काम यही है, बैंक में जाना, LIC ऑफिस में आना, कोर्ट में आना, और इस वजह से मैं आपको। अच्छा, आपको पता है कि कल से एंट्री नहीं होगी अगर आप वैक्सीन नहीं लगी हो, लेकिन हाँ, डबल वैक्सीनेटेड की बात की जा रही है कि डबल वैक्सीन लगनी, सिंगल डोज में रिक्वेस्ट करके ये तो कह सकते हैं कि हमने सिंगल तो लगवाई, आप डबल लगवा लेंगे? नहीं, अब तक नहीं लगवा पाए, अभी नहीं लगवा पाया, ट्रैवलिंग जॉब की वजह से नहीं लगवा पाया था। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में अब जागरूकता इस बात को लेकर बढ़ी है कि अब डबल वैक्सीनेट करने का जो सरकार का फैसला है उसके तहत उन्हें अब ये नियम मानना पड़ेगा। हम बात भी करेंगे, हमारे साथ में नर्स, क्या नाम है मैम? आशा रावत नाम है मेरा। आशा जी, आप यहाँ सेंटर बनाया गया है, क्या किस तरह से चल रहा है ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, कितने लोग पहुँच रहे हैं रोजाना? जब से अनाउंसमेंट हुआ है सरकार की तरफ से कि वैक्सीनेशन होना है और ज़रूरी है, एंट्रियां नहीं होंगी अंदर ऑफिसेज में, कंपनीज में, तो उसके बाद काफ़ी लोगों में प्रोत्साहन आया है और वो लोग आ भी रहे हैं। फर्स्ट डोज़ के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने सारे लोगों ने फर्स्ट डोज़ भी नहीं लगवाई थी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, कल भी हमने यहाँ से 200 के आसपास वैक्सीन लगाई थी और आज भी हम सुबह से ही लगा रहे हैं वैक्सीन। काफ़ी फ़र्क आया है और जल्दी से जल्दी होगा। क्या मान के चलें ये जो आदेश अब सरकार की तरफ से, इससे अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लोगों का ज़्यादा आना शुरू हो गया है? हाँ जी, बहुत भीड़ बढ़ी है, एकदम से भीड़ बढ़ी है। हम लोगों का वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया है, शाम तक 6 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और खूब वैक्सीन लग रही है, धड़ाके से वैक्सीन लग रही है। ऐसे लोगों को क्या अपील करेंगे या क्या कहना चाहेंगे जो अब तक भी वैक्सीन, जिन्होंने ना तो फर्स्ट डोज लगवाई है ना सेकेंड डोज लगवाई है? देखिए, हमारी अपील तो यही है कि आप लोगों के लिए हम दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो कम से कम आप लोगों को सिर्फ एक वैक्सीन ही तो लगवानी है। आइए, वैक्सीन लगवाइए, सेफली अपने घर जाइए, और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है। अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, हर कोई अपने फ़ोन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हमारे पास आके वैक्सीन लगवा सकता है। और अब तो वैक्सीनेशन का ऐसा काम हो गया है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स पे, सब सेंटर्स पे, गलियों में, हर जगह वैक्सीन्स लग रही है। लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट डोज लगवाने जब लोग आ रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि अब तक इतना जागरूकता क्यों नहीं थी, क्यों नहीं आए थे? कुछ कुछ पर्सन तो ऐसे हैं फर्स्ट डोज के लिए जो आते हैं, इतने एजुकेट बंदे हैं और उन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, आश्चर्य की बात है।
तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और फर्स्ट डोज के लिए भी लोग काफ़ी आ रहे हैं जो अब तक छुपके बैठे हुए थे, तो लग रही है वैक्सीन अब काफ़ी भीड़ हो गई है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोग अभी तक भी फर्स्ट डोज तक नहीं लगवा पाए हैं, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद में अब लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और सरकारी कार्यालय में इस तरह से अब सेंटर बना दिए गए हैं ताकि अगर कोई वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई है अब उसको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी तभी उसकी एंट्री अंदर होगी। और इसके पीछे मकसद यही है कि जो संक्रमण की दर है उसको कम किया जाए, चूँकि लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं तो ऐसे में डबल वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में आ गए हैं। अनिल विज ने फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हर जिले में जाकर निरीक्षण करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके लिए, और इसके साथ ही वैक्सीनेट लोगों को 1 तारीख से यानी कि कल से सार्वजनिक जगह पर एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि नो वैक्सीन नो एंट्री। अनिल विज ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण की हरियाणा में पूरी तैयारी की गई है। पिछली जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी जी, तो उससे हमने सीखते हुए हमने अपने अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए, 84 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो चुके हैं जो चल रहे हैं। उसके साथ ही मैंने आदेश दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जो 50 बेड से ऊपर है उनको भी अपने पीएसए प्लांट लगाने होंगे, तो 54 उनके भी लग चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शनल हैं या नहीं है, सभी जगह जा के देखेंगे सारे फंक्शनल हैं या नहीं है, वेंटिलेटर्स फंक्शनल है या नहीं है, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत सारे दिए हैं उनको भी हम लगाना चाहते हैं, पर वही लगाना चाहते हैं जहां पर हमारे पास पावर बैकअप है। बिल्कुल उनकी चेकिंग की जाएगी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर टीम्स बनाएं, हर जगह तो नहीं जा सकते लेकिन रैंडम चेकिंग करें, और जो बिना वैक्सीनेशन के अगर किसी दफ्तर में किसी माल में किसी और जगह पर आया हुआ है तो उसके खिलाफ सेक्शन 188 में कार्रवाई की। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है, अब ऐसे में 1 जनवरी से नो वैक्सीन नो एंट्री का नया नियम लागू होने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े आदेश दे दिए हैं, हरियाणा में कल से यानी 1 जनवरी से नो वैक्सीन नो एंट्री नियम फॉलो किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर अगर वैक्सीन नहीं लगाई गई है तो एंट्री भी नहीं मिल पाएगी, जिसमें सिनेमा हॉल मॉल्स बैंकेट हॉल शामिल हैं जहाँ एंट्री बैन रखी गई है। वैक्सीन लगी है या फिर नहीं लगी है ये उस जगह का मालिक देखेगा, चेक करेगा, मालिक मैनेजर सुनिश्चित करे कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है वो वैक्सीनेट है या फिर नहीं है। सार्वजनिक स्थलों की रैंडम चेकिंग के लिए भी सभी डीसी को आदेश दे दिए हैं। डीसी की तरफ से गठित टीम सार्वजनिक स्थलों पर जाकर इस तरह की रैंडम चेकिंग भी करेगी, अगर कोई वैक्सीनेट नहीं मिला तो 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आपको लगता है कि आप बिना वैक्सीन के कहीं जा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पाए जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सिरसा पहुंचे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साल के आखिरी दिन एक्शन मोड में तत्परता दिखाई। उन्होंने सिरसा में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की। अनिल विज ने बैठक में अधिकारियों के जमकर क्लास लगाई। साल के आखिरी दिन अनिल विज का चाबुक पुलिस महकमे पर चला। इसके साथ ही 2 पंचायत एवं विकास अधिकारियों पर भी अनिल विज ने एक्शन लिया। अनिल विज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 16 शिकायतें सुनी। सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया और ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से ही संबंधित थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने 1 उप निरीक्षण 2 सहायक उप निरीक्षक के साथ साथ
5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही निजी जगह पर सरकारी कोष से निर्माण को लेकर इलाहाबाद के पूर्व BDPO और वर्तमान BDPO को निलंबित करने के आदेश भी दिए। गृहमंत्री ने अपने अंदाज में सभी शिकायतों को काफी बारीकी से सुना और शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वो भी जुर्म है और अगर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है वो भी जुर्म है, उसकी तफ्तीश होगी। और आपने FIR दर्ज नहीं की 2010 में, किसने FIR दर्ज करनी थी, किसके पास केस था? ASI सुबेर सिंह सर। ASI सुबेर सिंह सर, वही वाला है सर, सेम जो जिसकी वो चल रही है जी सर, उसके ऊपर ये भी केस दर्ज कर। FIR दर्ज तो हर उसकी होनी चाहिए ना, एक डेथ हो गई बच्ची की और उसके ऊपर डाउट है, प्रश्न चिन्ह है और आप उसकी FIR ही दर्ज नहीं कर रहे। 5 साल सरकारी बदल की तरफ से लेकर अब तक कार्रवाई, कोई मिसगाइड करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, छुपाता है, उन्होंने छुपाया इस बात को। अगर उनकी बात ठीक मानी जाए, अगर हैंगिंग है, मैं तो डाउट करता हूं कि हैंगिंग हुई नहीं, क्योंकि हैंगिंग होती तो चुन्नी होती, चुन्नी नहीं है, जब चुन्नी थी ही नहीं, चुन्नी तो आपने रिपोर्टों में बनाई, चुन्नी थी नहीं वहां, चुन्नी होती, हैंगिंग होती वो बताते, उसी वक्त एविडेंस कलेक्ट किए जाते, चुन्नी भी ली जाती, सारा कुछ होता, लेकिन फैक्ट्स को छुपाया गया। शाम तक कार्रवाई चाहिए, ये पुलिस मिली हुई है सर। मैं अनिल विजू, मेरा नाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र यानी 2021 से 22 से 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित की जाएंगी। परीक्षा सिर्फ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित संबंध रखने वाले स्कूल से ही नहीं बल्कि CBSE और ICSE बोर्ड से बोर्ड वाले स्कूल्स के छात्रों को भी देनी होगी। भिवानी में बोर्ड कार्यालय में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों का डिजाइन निर्धारण करने के लिए एक बैठक हुई जिसमें जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा में NCERT के निर्धारित पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स की ये 80 नंबर की परीक्षा होगी। बोर्ड ने स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी बढ़ा दिया है। स्कूल के टीचर्स ने बोर्ड के फैसले को सराहनीय बताया है। तो बता दें कि बोर्ड की वेबसाइट पर जो तमाम जानकारी है वो अपलोड कर दी जाएंगी और मार्च में 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा होनी है, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने रोहतक प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि प्रदेश में युवा वर्ग नशे की जबरदस्त गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। इसका विरोध करने पर नशे के कारोबारी उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अपने हलके में नशा नहीं पनपने देंगे और किसी भी धमकी से वो डरने वाले नहीं। चे भर्ती घोटाला था, चे धान घोटाला था, चे पेपर लीक घोटाला था, यूरिया घोटाले हैं, अब पहले DAP घोटाले, तब यूरिया घोटाले हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे यूथ वर्ग है, चाहे मिडलमैन है, सबको गवर्नमेंट मारने का काम कर रही है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर जो भी दुकानें, खोखे, रेहड़ियां लगी हुई थी, सभी को वहां से हटाया गया और नहीं हटाने वालों पर भी उपमंडल अधिकारियों की तरफ से सामान को जब्त करने की बात कही गई। उपमंडल अधिकारी वैशाली ने कहा कि ये अभियान लगातार चलता रहेगा और आगे से लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ मामले भी दर्ज होंगे। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में गत्ता बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से दो मजदूर घायल हो गए, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए पानीपत और सोनीपत से दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। पहले आग गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, फिर देखते ही देखते आग की चपेट में पास की 2 फैक्ट्रियां भी आ गई। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारी धधकती आग से बचने के लिए छत से नीचे कूद गए और घायल हो गए। मैं तो ऊपर सो रहा था, आग लग गई नीचे, ऊपर से हम लोग कूद गए दूसरे घर पे, नीचे आ गए। कितना आदमी फंस गया था? मैं दोनों था और कौन है वो पता तो नहीं है, मैं 2 आदमी था। बाद ऊपर दूसरे घर पे कूद के ऊपर से आगे नीचे। अच्छा, और तो कोई नहीं सोया था अंदर? नहीं, हम लोग 2 ही था। चोट तो चोट है कि नहीं है पता नहीं, दोनों को चोट लगा है। हाँ, चोट लगा है पैर में, उसको भी लगा है। क्या नाम है तेरा? मेरा नंदू नाम है। नंदू दूसरे को जिसको चोट आया उसका क्या नाम? दीपक है। दीपक, दीपक कहाँ गए? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।